नमस्ते दोस्तों, मैं कृष्णा आपके अपने चैनल सक्सेस सोर्स में आपका स्वागत करता हूँ। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज हम एक ऐसी टॉपिक की में बात करेंगे जो हर किसी के लाइफ में कभी न कभी जरूर बीती हुई रहती है। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को छोड़ के चला जाता है तो उस दूसरे व्यक्ति को बहुत ज्यादा तकलीफ देके जाता है। दोस्तों, उस समय बहुत ही ज्यादा खराब लगता है, क्योंकि जब कोई अपनों से बिछड़ता है तो उसे सिर्फ तकलीफ ही मिलती है। हमें उस खास इंसान की आदत हो जाती है, जिसके कारण हम उसे भूल नहीं पाते हैं। बीते हुए कल में उसके साथ बहुत सी अच्छी पल और खट्टी मीठी यादों से वो हमारे साथ जुड़ी हुई रहती है। उसे भूलना इतना आसान भी नहीं होता है, क्योंकि अगर भूलना इतना आसान रहता तो हर इंसान अपने अपने गम से तुरंत बाहर निकल जाता और खुश रहता अपने जीवन में। दोस्तों, इस जीवन में हर इंसान के साथ कभी ना कभी ऐसा जरूर होता है, परंतु हम करें भी तो क्या करें, जाने वाले को किसने रोक पाया है। इस समय तो हम अपने आप को इतना डिप्रेस्ड कर देते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं रहती है, और बहुत ज़्यादा तन्हा और दिन भर उसकी यादों में खोए रहते हैं और अपने समय को इसी तरह बर्बाद कर देते हैं। दोस्तों, हमें अगर अपने जीवन में खुश रहना है तो हमें बीते हुए कल की जगह आज के साथ हमें चलना होगा। हमें अपने प्रेजेंट टाइम में खुश रहने की कोशिश करनी होगी, तभी हम अपना फ्यूचर बना सकते हैं। अगर हम बीते हुए कल में डूबे हुए रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इन सभी चीज़ों से आपको बाहर निकलना होगा। अगर जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो आगे बढ़ना होगा, इनको आपको पीछे रखना होगा। दोस्तों, इसको एक छोटी सी स्टोरी से समझने की कोशिश करते हैं। एक शहर में एक राहुल नाम का लड़का रहता है। वो अपने लाइफ में बहुत खुश रहता है। वो बीए हिस्ट्री ऑनर्स का स्टूडेंट है और पढ़ाई में भी काफी तेज है। राहुल का एक बेस्ट फ्रेंड है जिसका नाम दीपा है। दोनों ही एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। कुछ दिन बाद दीपा किसी कारण से राहुल के साथ नहीं रह पाती है और राहुल को छोड़ देती है किसी कारण से, और दीपा उसको छोड़ के चली जाती है। फिर राहुल उदास रहने लगता है, पूरा दिन किसी भी काम में उसको मन नहीं लगता है। राहुल अब एकदम तन्हा अकेला घर में चुपचाप रहने लगता है। वो कहीं बाहर भी नहीं जाता है और किसी से मिलने जुलने भी की कोशिश भी नहीं करता है, जिसके कारण वो और भी डिप्रेस्ड और एकांत हो जाता है। एक दिन की बात है, उसका एक फ्रेंड सुरेश उसके घर आता है और उससे मिलता है। सुरेश यह देखकर चौंक जाता है कि राहुल तुम इतने उदास क्यों हो, आजकल कॉलेज क्यों नहीं आते हो। फिर राहुल सुरेश को अपनी सारी बात बारीकी से बता देता है। यह बात सुनकर सुरेश को बहुत खराब लगता है, क्योंकि सुरेश राहुल को अपना अच्छा दोस्त मानता है। उसके बाद सुरेश राहुल को अपने घर लेकर आता है। सुरेश और राहुल एक दूसरे से वहां बातचीत करते हैं। फिर सुरेश एक मैंगो जूस राहुल को देता है और देते वक्त और बोलता है, राहुल इसमें थोड़ा नमक ज़्यादा पड़ गया है। तो राहुल बोलता है, कोई बात नहीं, इसमें तुम थोड़ा चीनी मिला दो ताकि मैं इसे पी सकूँ। यह बात सुनकर सुरेश खुश हो जाता है और राहुल की तरफ देखने लगता है। तभी राहुल बोलता है, क्या बात है सुरेश, तुम इतने मुस्कुरा क्यों रहे हो। तो सुरेश बोलता है, यही बात समझाने के लिए मैं तुम्हें अपने घर लाया हूँ। जीवन में कभी कभी नमक ज़्यादा पड़ जाता है, तो तुम्हें अपने जीवन को जीना चाहिए, उसे छोड़ना नहीं चाहिए, उसे हार नहीं मानना चाहिए, मैं उसमें भी चीनी मिला देना चाहिए ताकि हम आगे बढ़ सकें अपने जीवन में। दोस्तों, इस मोटिवेशनल स्टोरी से मैं आपको यह समझाना चाहता हूँ कि ऐसी स्थिति में अगर आप अपने अच्छे समय को, अपने मीठे पल को अगर याद करते हैं तो वह इस समय चीनी का काम करेगा और आप आगे की ओर बढ़ सकेंगे, जिससे आपको यह एहसास होगा कि जिंदगी में और भी बहुत कुछ है हमारे लाइफ में इसके अलावा। दोस्तों, बस एक बार जिंदगी के इस कड़वे रस में थोड़ी सी चीनी मिलाकर देखो, सुख और खुशियां आपकी दामन थाम लेगी। दोस्तों, हमारे लाइफ में एक इंसान की कमी हो जाने के कारण से हम अपने लाइफ को जीना नहीं छोड़ सकते हैं, हमें उसके अलावा और भी बहुत कुछ है हमें आगे बढ़ने के लिए। दोस्तों, अगर स्टोरी अच्छी लगी
तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।